तो दोस्तों बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों फिर भी जिस तरह बंगाली सैड सॉन्ग में स्टेटस को देखा है, इस तरह स्टेटस अभी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। स्टेटस ऐसे स्टेटस अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो दोस्तों प्लीज़ अभी इस तरह स्टेटस बनाना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। मेरे इस चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है, खराब लगता है, कमेंट भी कर दीजिए। और वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आए तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर दीजिए। और मेरे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाके ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं जो फोटो पिंज जो कुछ मैं यूज करने वाला हूँ सभी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और जो मैं इफेक्ट फोन यूज करने वाला हूँ सभी चीज़ मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उधर से डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर। तो देख सकते हो मैं लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लिया हूँ, तो आप लाइट मोशन ऐप को ओपन कर लेना और यहाँ पर जो प्रोजेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर आपको आना होगा। और जो सॉन्ग बीट मार्क और जो इफेक्ट प्रोजेक्ट है, ये दोनों प्रोजेक्ट को मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है, ये सॉन्ग बीट मार्क को ओपन कर लेना। तो सॉन्ग बीट मार्क में आने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लिरिक्स वगैरह सब कुछ इफेक्ट वगैरह यहाँ पर इस प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएगा। देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। देखो यहाँ पर जो फोटो वगैरह जो कुछ है यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। और देखो मैं इसमें इफेक्ट भी देख कर रखा हूँ, खाली आपको क्या करना है। देखो ये जो बंगाली फॉन्ट है, ये बंगाली फॉन्ट मैं पहले भी यूज कर चुका हूँ, अब अगर आपके पास है तो डाउनलोड करना नहीं होगा, नहीं तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ये फोन को डाउनलोड कर लेना और लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना और रियल एआर में ऐड कर लेना। तो देखो कुछ इस तरह आपको यहाँ पर लिरिक्स देखने को मिल जाएगा और इफेक्ट भी देखने को मिल जाएगा। और आगे आ जाना तो आगे देखो कुछ इस तरह आपको तीन ग्रुप लेयर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, देख सकते हो। तो ये तीनों ग्रुप लेयर में आपको फोटो ऐड करना है और यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल में आपको एक इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल को कुछ भी छेड़खानी आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर तीनों ग्रुप में तीन अलग अलग फ़ोटो ऐड कर लेना। तो देखो मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर तीनों फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो देखो ये ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, फर्स्ट में आपको आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आपको आना है और जिस फोटो पर आप वीडियो बनाना चाहते हो उस फोटो को ऐड करना है। तो देखो मैं सिंपल आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पर तीन फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ। तो देखो मैं अलग फ़ोटो मतलब एक फ़ोटो ऐड कर लिया हूँ, तो अभी एक फ़ोटो ऐड कर लेना। मूव एंड ट्रांसफर में आपको आना होगा, रोटेट ऑप्शन में आना होगा और ऐसे करके -90 डिग्री रोटेट कर लेना। मूव ऑप्शन को टच करना और ऐसे करके मूव करके नीचे कर लेना। जूम ऑप्शन में आ जाना और ऐसे करके आपको छोटा कर लेना अपने हिसाब से। उसके बाद दोस्तों एक बार बैक हो जाना एकदम लास्ट बिट में आपको आना होगा, ये ऑप्शन है पर टच करना होगा, ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा और जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रखना होगा, ऐसे करके फोटो को ऐड कर लेना और ये ग्रुप से बाहर हो जाना। तो ये ग्रुप से बाहर हो जाने के बाद ठीक से देख लेना फोटो हमारा एडिट ठीक से हुआ है कि नहीं तो फिर से एक ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आके फिर से ये फोटो को एडिट कर लेना कुछ इस तरह करके। और फोटो को ठीक से एडिट करने के बाद ये ग्रुप से फिर से बाहर हो जाना। तो फिर से एक बार देख लेना, चेक कर लेना ठीक से एडिट हुआ है कि नहीं फ़ोटो। तो देखो अब हमारा फोटो जो है वो ठीक से एडिट हो चुका है। तो फिर से देखो यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है, ये ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना और यहाँ पर फिर से आपको एक अलग फ़ोटो ऐड करना है। मूव वाला ऑप्शन में आना है, रोटेट ऑप्शन में आना है, ऐसा करके रोटेट करना है और ऐसा करके आपको मूव करना है। उसके बाद एक बार बैक होना है, लास्ट में आपको आना है, ये ऑप्शन यहाँ पर टच करके ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा और जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख देना। उसके बाद दोस्तों ये ग्रुप से फिर से बाहर हो जाना। तो देखो ठीक से आप लोग फोटो को एडिट कर लेना और ऐसे करके फोटो एडिट कर लेना, एडिट करने के बाद फिर से ग्रुप से बाहर हो जाना और ठीक से देख लेना। उसके बाद फिर से ये वाला जो ग्रुप लेयर है इसमें फोटो ऐड करेंगे, तो ये लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आ जाना, फास्ट में आपको आना होगा, प्लस ऑप्शन को टच करना होगा, मीडिया ऑप्शन में आके फिर से और एक फोटो को ऐड कर लेना। मूव वाला ऑप्शन में आना है, रोटेट ऑप्शन में आना है और ऐसे करके -90 डिग्री रोटेट करना है, ये वाला ऑप्शन को टच करना है और ऐसे करके फ़ोटो को फिर से एडिट कर लेना, जहाँ रखना चाहते हो उधर फोटो को रख लेना। एकदम लास्ट में आना होगा, ये जो ऑप्शन है पर टच करना, ये वाला ऑप्शन को टच कर लेना,
ऐसे करके साइड में दबा कर रखना होगा, जो रेक्टेंगल है उसके नीचे रख लेना। उसके बाद ये ग्रुप से फिर से बाहर हो जाना, तो देख लेना फोटो ठीक से एडिट हुआ कि नहीं। और ऐसे करने के बाद यहाँ पर जो ग्रुप एंड मास्क लेयर है वन नंबर, देखो ये वाला लेयर को टच करना है। बॉर्डर एंड शैडो ऑप्शन में आना है, नीचे जो शैडो ऑप्शन है पर टच करना और शैडो को ऑन कर लेना। उसके बाद यहाँ पर जो पोजीशन है एक्स वाई 3:3 रहेगा, तो 0:0 कर देना। यहाँ पर जो साइज है साइज को अपने हिसाब से आप लोग कर लेना। और फास्ट वाला ऑप्शन को टच करना है, बॉर्डर ऑप्शन को टच करना, ये वाला बीच वाला ऑप्शन को टच करके जो साइज है साइज को 10 कर लेना। तो ऐसा कर लेना। ऐसा करने के बाद दोस्तों अब क्या करना होगा, यहाँ पर जो तीन फोटो है तीन फोटो में आपको इफेक्ट ऐड करना है। तो फास्ट देखो ये वाला फोटो में इफेक्ट ऐड करेंगे, देखो ग्रुप ग्रुप के अंदर मतलब यहाँ पर जो ग्रुप एंड मार्क्स जो लेयर है फास्ट वाला देखो वन नंबर, तो इसमें फ़ोटो ऐड करेंगे। तो इसमें फ़ोटो ऐड करने के लिए एक बार बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और ये वाला ऑप्शन को सॉरी ये वाला इफेक्ट को कॉपी कर लेना। फास्ट वाला देखो ये फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा और यहाँ पर जो थ्री डॉट यहाँ पर टच करना होगा और इधर से कॉपी इफेक्ट करना होगा। उसके बाद दोस्तों बैक होना होगा और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें फिर से आपको आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सॉन्ग बीट मार्क है इसमें आने के बाद देखो यहाँ पर जो ग्रुप एंड मार्क नंबर वन लेयर है ये लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आपको आना है, ये फोटो लेयर में ये इफेक्ट को पेस्ट करना है। तो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करना और पेस्ट इफेक्ट कर देना। तो फोटो में देख सकते हो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट नज़र आ जाएगा। तो ये ग्रुप से बाहर हो जाना, तो ये ग्रुप से बाहर हो जाने के बाद देखो कुछ इस तरह आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आप क्या करना होगा, देखो यहाँ पर जो दो ग्रुप है ये दो ग्रुप में आपको दोनों फोटो में एक ही इफेक्ट आपको ऐड करना है। तो उसके लिए फिर से बैक हो जाना, इफेक्ट प्रोजेक्ट में आ जाना और देखो यहाँ पर जो फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आ जाना, थ्रेड को टच करना होगा और कॉपी इफेक्ट कर लेना। उसके बाद दोस्तों बैक हो जाना, सॉन्ग बीट मार्क में आपको आना पड़ेगा और यहाँ पर जो दोनों ग्रुप लेयर है ये दोनों ग्रुप लेयर में आपको सेमी इफेक्ट ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला यहाँ पर देखो ये वाला ग्रुप लेयर को टच करना, सेकंड वाला एडिट ग्रुप में आपको आना होगा, ये जो फोटो है फोटो लेयर को टच करना, इफेक्ट ऑप्शन में आना होगा, थर्ड को टच करना होगा और पेस्ट पर करना होगा। ये ग्रुप से बाहर हो जाना और यहाँ पर देखो लास्ट वाला जो ग्रुप लेयर है ये वाला ग्रुप लेयर को टच करना, एडिट ग्रुप में आना होगा, फोटो लेयर को टच करना है, इफेक्ट ऑप्शन में आना है, थर्ड को टच करना और पेस्ट पर कर देना। ये ग्रुप से फिर से बाहर हो जाना, तो देखो कुछ इस तरह यहाँ पर जो ग्रुप लेयर है ग्रुप लेयर में आपको इफेक्ट देखने को मिल जाएगा, देखो कुछ इस तरह। तो दोस्तों अब क्या करना होगा, देखो यहाँ पर आपको और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है। ये वाला जो बीट है ये बीट में आपको आना है, प्लस ऑप्शन को टच करना है, मीडिया ऑप्शन में आना है और ये वाला पीएनजी फोटो को आपको ऐड कर लेना है ये वाला। उसके बाद दोस्तों मूव वाला ऑप्शन में आना है, रोटेट ऑप्शन में आना है और ऐसे करके माइनस 90 डिग्री आपको रोटेट करना है और ऐसे करके नीचे आपको रखना है। जो साइज है साइज वगैरह आप लोग ठीक से रख लेना अपने हिसाब से। और ऐसे करने के बाद और कुछ भी छेड़खानी नहीं करना है, एक बार बैक होना है, एकदम लास्ट में आना है, जो ऑप्शन है पर टच करना है और ऐसे करके ये जो लेयर है रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल के नीचे रख देना। लास्ट में आपको आना होगा ये जो प्लस ऑप्शन है पर टच करना, मीडिया ऑप्शन में आपको आना होगा और ये वाला पीएनजी बॉर्डर को आपको ऐड करना है। तो ये वाला पीएनजी बॉर्डर को ऐड कर लेना, लास्ट में आपको आना है जो ऑप्शन है पर टच कर लेना। तो ऐसे करके आप लोग ये स्टेटस को बना लेना और स्टेटस बनाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीडियो को सेव कर लेना। तो यहाँ पर जो शेयर ऑप्शन है यहाँ पर टच करना और इधर से वीडियो को सेव कर लेना। तो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंदी।